हेलो एवरीबॉडी, आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ आइजिंग मॉडल। और आइजिंग मॉडल बेसिकली जो फेरोमैग्नेटिज्म में उसको एक्सप्लेन करने के लिए यूज किया गया। तो इसे बताने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि जो फेज ट्रांजिशन है वो क्या होता है, और फर्स्ट ऑर्डर और सेकेंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन क्या होते हैं, और आइजिंग मॉडल हमें क्या एक्सप्लेन करता है। तो पहले पार्ट्स में मैं बताना चाहूँगा कि फेज ट्रांजिशन बेसिकली होता यह है कि जब कोई सिस्टम्स एक पर्टिकुलर स्टेट से दूसरी स्टेट में परिवर्तित होता है, और जहाँ पे जब उसका परिवर्तन होता है एक स्टेट से दूसरी स्टेट में, तो पहले स्टेट में जो उसकी प्रॉपर्टीज हैं और जो सेकंड स्टेट्स में जो उसकी प्रॉपर्टी हैं उनमें ड्रास्टिकली चेंज होता है। जैसे हमारा स्टेट परिवर्तन हम देखें तो हमारे स्टेट परिवर्तन सॉलिड से लिक्विड में हम देख सकते हैं कि अगर हमारी आइस है और उसको हम अगर गर्म करते हैं, आइस को हीट देते हैं, तो वो आइस से वाटर बन जाती है, तो उसमें हमें लेटेंट हीट सप्लाई करनी पड़ती है। और अगर हम उसे फिर लगातार बॉयल करते रहेंगे और 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक ले जाएंगे तो फिर वो वेपर स्टेट में बदल जाती है। लेकिन जब हम 1 ग्राम आइस को सॉलिड से लिक्विड बनाते हैं तो हमें 80 कैलोरी अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड होती है। और अगर हम 1 ग्राम जो वाटर है हमारा 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर उसको वेपर बनाते हैं तो हमको 540 कैलोरी अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड होती है। तो यहाँ पर हमें लेटेंट हीट अप्लाई करनी पड़ती है, और जो लेटेंट हीट अप्लाई करनी पड़ती है वो बेसिकली जो हीट है वो टेम्परेचर राइज नहीं होता, उस टेम्परेचर जो अब हम हीट देते हैं टेम्परेचर वहीं रहता है, केवल और केवल मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसको फ्री करने में वो अमाउंट ऑफ हीट खर्च हो जाती है। तो जहाँ लेटेंट हीट की वैल्यू फाइनाइट आती है, जैसे हम आइस को 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर परिवर्तन कर रहे हैं और आइस को बना रहे हैं लिक्विड, या लिक्विड को 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर वेपर बना रहे हैं, तो वहाँ हमें लेटेंट हीट देनी पड़ रही है। इस तरीका के जो ट्रांजिशंस होते हैं उनको फर्स्ट ऑर्डर ट्रांजिशन कहते हैं। तो जहाँ लेटेंट हीट की वैल्यू फाइनाइट होती है वो हमारा फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन कहलाता है। सेकेंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशंस में केवल टेम्परेचर का परिवर्तन से ही कई बार स्टेट परिवर्तित हो जाती है, वहाँ हमें लेटेंट हीट की रिक्वायरमेंट नहीं होती, वहाँ पर लेटेंट हीट जो है वो जीरो होती है, और केवल हमें टेम्परेचर का जो चेंज है वही ड्रास्टिकली फिजिकल प्रॉपर्टीज को चेंज कर देता है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, वो हमारा जो कहलाता है वो सेकंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन कहलाता है। सेकंड ऑर्डर जो फेज ट्रांजिशन है उसके एग्जांपल होते हैं फेरो का नॉन फेरो सब्सटेंस में परिवर्तित होना टीसी पे क्यूरी टेम्परेचर के ऊपर, और हमारा सुपर कंडक्टिंग स्टेट के अंदर सुपर कंडक्टिंग स्टेट एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर क्रिटिकल टेम्परेचर पर होती है, तो उससे कम टेम्परेचर के ऊपर सुपर कंडक्टिंग स्टेट होती है टीसी से, और टीसी से ऊपर नॉर्मल स्टेट होती है, तो वो भी सेकंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन में होता है, जो जिसमें हमें लेटेंट हीट की अलग से सप्लाई नहीं करनी पड़ती। तो हमारे पास में फेरो से पैरा का कन्वर्जन, पैरा से डाइव में कन्वर्जन, और या हमारे पास में सुपर कंडक्टिंग का नॉर्मल स्टेट में या नॉर्मल स्टेट का सुपर कंडक्टिंग स्टेट में परिवर्तन, और मिक्सिंग ऑफ एलॉय, ये सब जो एग्जाम्पल्स हैं दे आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द सेकेंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशंस। आज की इस वीडियो में जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ वो सेकेंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन का एक स्पेशल केस है फेरोमैग्नेटिज्म। तो फेरोमैग्नेटिज्म को कैसे एक्सप्लेन किया जाए उसके लिए आइजिंग ने ये मॉडल दिया, और इसलिए उसको हम आइजिंग मॉडल कहते हैं। तो मैं बताना चाहूँगा कि आइजिंग मॉडल में आइजिंग ने क्या कहा कि बेसिकली जो मैग्नेटिक डायपोल्स होते हैं जो वो आपस के अंदर इंटरेक्शंस होता है, और जो मैग्नेटिक डायपोल्स हैं उनकी स्पिन +1 अगर वो स्पिन आप ऊपर की तरफ रखते हैं, और मैग्नेटिक डायपोल की स्पिन डाउन अगर वो स्पिन डाउनवर्ड्स रखते हैं। लेके साइक्स होती हैं, एन नंबर ऑफ एटम्स जो है वो रेगुलर लेके साइक्स रखते हैं, और जो इंटरेक्शंस होता है वो जनरली नीडेस्ट नेवर इंटरेक्शंस ज़्यादा स्ट्रांग होता है। एक जो मैग्नेटिक डायपोल्स है, एक एटम्स जो मैग्नेटिक डायपोल की तरह बिहेव करता है, वो अपने पास के नीडेस्ट नेवर एटम्स के साथ में इंटरेक्शंस करता है, और उसके चलते क्या होता है कि जब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में स्पिन का ओरिएंटेशन होता है उससे जो इंड्यूज मैग्नेटाइजेशन पैदा हो जाता है, तो उसको हम बोल रहे होते हैं जो स्पॉन्टेनियस पोलराइजेशन, जो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शंस में और स्पिन होती है उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड का जनरेशन जो हमारा होता है। तो इसे मैं बताना चाहूँगा 1 by 1 स्टेप इसके, और साथ साथ ये भी मैं आपसे कहना चाहूँगा कि स्पेस कम होने से बोर्ड पर मैं एक ही लेक्चर में इस पूरे पोर्शन को कवर नहीं कर पाऊँगा, तो दूसरे 3 लेक्चर्स मेरे ये कंटिन्यूस सीरीज में आएंगे, तो सभी लेक्चरों को देखने का प्रयास करें जिसके चलते आपको स्टेप बाई सब चीज़ें क्लियर होती रहें। तो मैं पहले स्टेप में आपको फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन बता रहा था, और दूसरी बार में मैं डिस्कस कर रहा था फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन, और अब मैं डिस्कस करूँगा आइजिंग मॉडल 1 by 1 स्टेप से। तो हम यहाँ देखें कि आइजिंग मॉडल क्या है, ट्रांजिशन ऑफ नॉन फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस
या स्टेट टू फेरोमैग्नेटिक, और ये फेज ट्रांजिशन होता है सेकंड ऑर्डर का, क्योंकि यहाँ पर जो लेटेंट हीट की वैल्यू होती है वो एल जीरो होता है। तो लेटेंट हीट अगर हमारा जीरो है तो सेकंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन में आता है। विदाउट एनी एक्सटर्नल फील्ड बी बिकम्स स्पॉन्टेनियस, सम ऑफ द स्पिन ऑफ द एटम्स बिकम्स स्पॉन्टेनियसली पोलराइज्ड इन द सेम डायरेक्शन बिलो पीसी। तो किसी समय पे अगर हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई भी ना करें किसी पर्टिकुलर केस के अंदर, तो हम देखते हैं कि कुछ जो स्पिन्स हैं एटम की वो स्पॉन्टेनियसली पोलराइज हो जाती हैं एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में, और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में वो कब कर पाती हैं, जब टेम्परेचर क्यूरी टेम्परेचर से कम होता है, जिसके कारण एक माइक्रोस्कोपिक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है। तो सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो सबसे पहली यही है कि किसी पर्टिकुलर उस टेम्परेचर के ऊपर जो टीसी से कम होना चाहिए उसके अंदर जो मैग्नेटिक डायपोल्स हैं उनमें से कुछ पर्टिकुलर डायपोल्स की डायरेक्शन सारी स्पिन जुड़ के उनकी एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक डायरेक्शन में होती हैं, और उनके चलते एक जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाता है जिसको माइक्रोस्कोपिक मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। जब टी की वैल्यू टीसी से बड़ी हो जाती है तो ये स्पिन जो है उनकी डायरेक्शन जो है हमारी रैंडम हो जाती है, वो जो मैग्नेटिक डायपोल पैदा करेंगे तो स्पिन रैंडम होने ओरिएंटेशन होने के कारण जो उनका मैग्नेटाइजेशन रैंडम हो जाएगा, और ना ही वो किसी पर्टिकुलर मोमेंट के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेंगे। तो ये हमारा कंसेप्ट है जो इसके अंदर अप्लाई होगा। इन आइजिंग मॉडल एन फिक्स्ड लैटिसाइट फॉर्म एन डायमेंशनल पीरियोडिक एंड स्पिन वेरिएबल। एन फिक्स्ड लैटिसाइट्स होती हैं आइजिंग मॉडल के अंदर, जो हमारे पास जितने एटम्स होते हैं उनको हम कैपिटल एन ले लेते हैं, उन्हें लैटिसाइट कहते हैं, क्योंकि हमें भी पता कि सॉलिड के अंदर ये सॉलिड स्टेट फॉर्म में मिलता है, और जो ये भी हम जानते हैं कि फेरोमैग्नेटिन का जो होता है वो क्रायोपेयर होता है एफ ई सी ओ और एन आई। जो हमारा आयरन कोबाल्ट और निकल जो है वो फेरोमैग्नेटिन शो करते हैं। तो उसमें हम देखेंगे कि एन फिक्स लैटिसाइट है, एन डायमेंशनल पीरियोडिक पोटेंशियल है, क्योंकि जो अरेंजमेंट होता है वो रेगुलर इंटरवल पर रिपीट होता है। जैसे हमारे लैटिस एटम के बीच में सर्टेन सेपरेशन होगा तो जो अरेंजमेंट है वो रेगुलर पीरियोडिक रहता है। तो यही इसमें बताया जा रहा है। स्पिन जो होती है उसे टू फॉर्म में नोट करते हैं, जो हमारे मैग्नेटिक डायपोल्स हैं जो एटम में जो मैग्नेटिक डायपोल की तरह बिहेव करता है, जिनकी स्पिन अप होती है अप डायरेक्शन में इस टाइप से, तो उनकी स्पिन को हम एस आई बराबर प्लस वन से दिखाते हैं, और जो डाउनवर्ड्स स्पिन रखते हैं उनकी स्पिन को एस आई बराबर माइनस वन से दिखाते हैं। तो यहाँ पे ये दिखाया गया है कि एस आई बराबर प्लस वन है जब स्पिन वन है, और एस आई की वैल्यू माइनस वन है जब स्पिन डाउन है। अब एनर्जी ऑफ होल सिस्टम्स जो हम बताएंगे कि पूरे सिस्टम की एनर्जी क्या है, तो इंटरेक्शंस होता है, इंटरेक्शंस स्पिन के कारण होता है, और स्पिन इंटरेक्शन से एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो यहाँ पे हम लगाएंगे ई आई, आई कहेंगे आइजिंग मॉडल के कारण जो एनर्जी है और जो स्पिन के कारण पैदा हो रही है इज इक्वल टू माइनस, और ये समेशन आई जे का इंटरेक्शन के कारण ई आई जे एस आई एस जे। तो जब स्पिन एस आई और एस जे इंटरेक्शन करेंगी तो एनर्जी जो ई आई जे प्रोड्यूस हो जाएगी, और जो हम किसी समय पे इन स्पिन स्पिन इंटरेक्शन के कारण सारी एनर्जी कैलकुलेट करेंगे तो स्पिन स्पिन इंटरेक्शन के कारण हर इंटरेक्शन को कंसीडर कर लेंगे, और ध्यान ये रखेंगे कि आई जे का जब जे के साथ इंटरेक्शन लें तो फिर जे का आई के साथ ना लें, नहीं तो डबल रिपीटेशन हो जाएगा। तो उनको हम इंटरेक्शन को एक ही बार कंसीडर करें, तो एस आई जब स्पिन एस आई स्पिन एस जे से इंटरेक्ट करती है तो एस आई एस जे आ जाएंगे, और ई आई जे जो होगा वो इन दोनों के इंटरेक्शन से जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी वो ई आई जे होगी। और यहाँ पे जो हमने लिया है वो आई और जे का आपस का इंटरेक्शन बता रखा है, और जो इंटरेक्शन होता है वो नियरेस्ट नेबर लैटिसाइट्स में होता है पड़ोसियों के बीच में। और ये जो हमारे पास में एनर्जी होगी वो होगी यहाँ से माइनस म्यू एच समेशन आई बराबर वन से एन एस आई। जो एच ये है ये मैग्नेटिक फील्ड जो है स्पिन के कारण जनरेट होता है, पर्टिकुलर स्पिन जो ओरिएंटेशन होता है, और पर्टिकुलर स्पिन जो हम कैलकुलेट करते हैं वो समेशन आई बराबर वन से एन एस आई से कैलकुलेट करेंगे। जिन जो हमारे पास में आई से आई की वैल्यू को वन से एन तक लेंगे तो कुछ ऐसे एटम्स होंगे जिनकी स्पिन अपवर्ड्स होगी, तो उनकी स्पिन जितने भी एटमों की स्पिन प्लस वन होगी उनको एक साथ कंसीडर कर लेंगे, और जिनकी स्पिन डाउनवर्ड्स नीचे की तरफ होगी उनको हम डाउनवर्ड्स में ले लेंगे। तो इस जो एस आई की वैल्यू है वो प्लस वन और माइनस वन दोनों होंगी, उनके लिए टोटल जो नंबर ऑफ एटम्स हैं एन उनको फ्रैक्शन में बांट लेंगे, उनको लिखेंगे हम एन बराबर एन प्लस प्लस एन माइनस। एन प्लस वो हमारे एटम्स होंगे वो साइड्स होंगी जिनकी स्पिन अपवर्ड्स डायरेक्शन में होगी, और एन माइनस जो होंगे वो ऐसी लेके साइड्स होंगी जिनकी स्पिन डाउनवर्ड्स होगी। तो ये यहाँ से इसका कंसेप्ट होगा, और म्यू जो होगा वो मैग्नेटिक मोमेंट को शो करेगा। तो ये हमारे पास में इस एक्सप्रेशंस को समझें, ये
जो आईजे के साथ स्पिन जो आपस में इंटरेक्ट कर रही हैं उनके कारण एनर्जी जनरेशन है, और ये जो नेट स्पिन जो हमारी होगी उसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा वो एच होगा, और जो नेट स्पिन है उसको हम यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे एन प्लस और एन माइनस वन कंसिडर करने के बाद में, और वी एम यू मैग्नेटिक मूवमेंट होगा। तो ये यहाँ से कंसेप्ट पहले, सबसे पहले इसको समझें, और इसमें आई जो है वो आईजी को रिप्रेजेंट करेगा, और जो ये आईजे है वो इंटरेक्शन बताएगा नियरेस्ट नेबर पेयर ऑफ स्पिन का। आईजे और जे आई जो आपस में सेम होंगे, जो लेटेस्ट एटम आई के साथ जे के साथ इंटरेक्शन से जो एनर्जी पैदा होगी और जो जे एथ एटम के आई एथ एटम के इंटरेक्शन से पैदा होगी वो एनर्जी सेम होगी, ये इसका मतलब होगा। ई आई जे इंटरेक्शन एनर्जी को म्यू एच जो है इंटरेक्शन एनर्जी एसोसिएटेड विद एच, जो एच प्रोड्यूस हो रहा है जो यहाँ पे समझाया गया था उसके कारण जो एनर्जी पैदा हो रही है वो इंटरेक्शन एनर्जी म्यू एच है, और जो स्पिन स्पिन इंटरेक्शंस के कारण जो एनर्जी जनरेट हो रही है इंटरेक्शन एनर्जी वो ई आई जे है। तो सबसे पहले दोनों स्टेपों को समझ लें, दोनों ही बहुत यूजफुल कंसेप्ट हैं दीज। उसके बाद इसको भी ध्यान रखें कि स्पिन जो होगी, जो मैग्नेटिक डायपोल्स अपवर्ड स्पिन रखेंगे उनको प्लस वन से, और जो डाउनवर्ड स्पिन रखेंगे उनको माइनस वन से शो करेंगे। तो इस कंसेप्ट को भी ध्यान में रखें, साथ साथ ये याद रखें कि जब हमारा जो सॉलिड स्टेट जो लेटेस्ट एटम्स जिसका हम स्टडी कर रहे हैं फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस का, अगर वो आइसोट्रॉपिक है, डायरेक्शन डिपेंडेंट नहीं है, सब जहाँ से भी हम किसी भी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाते हैं वहाँ पे सेम तरीका के लेटेस्ट कॉन्फिग्रेशंस हैं, तो वहाँ पे जो ई आई जे की वैल्यू है वो फिक्स होगी हर केस में। तो ई आई जे को हम उस समय पे ई लिख देंगे, तो आइसोट्रॉपिक इंटरेक्शंस के लिए ई आई जे को ई लिख दें, यहाँ पे अप्लाई कर दें इसे, और इस टर्म को बाहर ले आएँ, क्योंकि वो फिर स्पिन डिपेंडेंट नहीं रहेगा क्योंकि वो सबके लिए सेम है, तो यहाँ पे इसे माइनस ई से डोट कर दें। समेशन आई जे एस आई एस जे एस सच रहेगा ये, माइनस म्यू एस समेशन आई, और आई की वैल्यू को वन से लेकर एन तक ले जाएं, ये मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ। तो इक्वेशन नंबर टू यहाँ से तुम्हारा हम कैलकुलेट कर पाएंगे। उसके बाद इसमें याद रखें कि जो हमारे पास मैग्नेटिक डायपोल अगर अपवर्ड की डायरेक्शन में रहते हैं ज़्यादा, तो हमारा जो केस बनता है वहाँ एनर्जी पॉजिटिव मिलती है, और ये मैग्नेटिक डायपोल्स दिखा रखे हैं जो ए की दिशा में ज़्यादा हैं ऊपर की तरफ। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो एनर्जी है वो पॉजिटिव डेवलप होगी तो फेरोमैग्नेटिज्म होगा, तो यहाँ पे इंटरेक्शन के चलते जो एनर्जी मिलेगी वो ई होगी और ये पॉजिटिव होगी। इधर अगर एंटी फेरोमैग्नेटिज्म में, तो इसमें जो मैग्नेटिक डायपोल्स हैं वो नीचे की तरफ को ज़्यादा होते हैं, तो उसमें एनर्जी नेगेटिव होगी, वो एंटी फेरोमैग्नेटिज्म का केस होगा। तो इन दोनों कंसेप्टों को रखें तैयार, ये लगातार पूछे जाते हैं। उसके बाद ये जो हमारे पास में एक्सपेक्टेशन आई जे से जो हम नोट कर रहे हैं आई जे के इंटरेक्शन को, उसे म्यू एन बाई टू लिखें। म्यू जो है वो नंबर ऑफ नीरेस्ट नेबर ऑफ एनी गिवन साइट है, तो जो एक हमारे पास गिवन साइट है उसके जो नीरेस्ट नेबर्स हैं उनको नोट करेगा ये फैक्टर गामा, और एन जो है वो रेगुलर लेटेस्ट एटम्स हैं जो ओवरऑल सिस्टम्स के अंदर हैं, तो इसको भी हम समझ लें। और ये म्यू और ई आई जे जो होगी वो ज्योमेट्री ऑफ द लेटेस्ट निर्भर करती है, एक पर्टिकुलर जो लेटेस्ट है उसकी ज्योमेट्री का फंक्शन होता है जो ये म्यू और ई आई जे होता है, क्योंकि जो इंटरेक्शन है वो भी सदा इस चीज पर निर्भर करेगा कि सिस्टम के अंदर किस तरीका से अरेंजमेंट है। अगर एटम्स पास पास हैं तब ये इसकी वैल्यू अलग मिलेगी, अगर वो दूर दूर हैं तो उस तरीका से चेंज होगी, तो इस चीज को ध्यान रखें। अब हम केस जब ई ग्रेटर देन जीरो है, क्योंकि डिस्कशन हम कर रहे हैं फेरोमैग्नेटिज्म का, तो उस केस में पार्टिशन फंक्शन को हम कैसे दिखाएं, तो जेड होगा वहां समेशन एस वन समेशन एस टू और एस एन तक। ये एस वन जो है फर्स्ट एटम के लिए स्पिन कंसिग्रेशन है, एस टू सेकेंड एटम के लिए है, क्योंकि ओवरऑल जो एटम्स हैं सिस्टम के अंदर जो लेटेस्ट साइट हैं और लेटेस्ट साइटों पर एटम्स रखे हैं वो एन है हमारे, तो ये फर्स्ट के केस में, ये सेकेंड में, ये एन एफ तक इसी तरीका से जाएंगे समीशन लगते हुए। ई की पावर माइनस बीटा ई आई और एस आई, इस ई आई एस आई की वैल्यू को हम यहाँ से पुट कर सकते हैं, जो हमारे पास ये वैल्यू आई थी इक्वेशन नंबर टू से, इसको इक्वेशन नंबर थ्री कह दें। उसके बाद जो हमारे पास ऐसा ही होगा, स्पिन की जो रेंज होगी वो प्लस माइनस वन होगी, क्योंकि हमें पता है कि या तो जो हमारे पास मैग्नेटिक डायपोल्स या लेटेस्ट एटम्स हैं उनकी स्पिन या तो अपवर्ड्स होगी, अगर वो स्पिन अपवर्ड्स है तो स्पिन को हम वन ले लेंगे, और अगर वो डाउनवर्ड्स है तो उसकी स्पिन को हम माइनस वन ले लेंगे, तो ये हम ध्यान रखें। इसके बाद हम देखेंगे कि पहले केस के अंदर जो स्पिन है प्लस वन या माइनस वन आ रही है, सेकेंड केस में भी ऐसा ही होगा, तो हर केस के अंदर हम देखेंगे जो स्पिन है उनके ओरिएंटेशन के चलते देखेंगे, तो हर केस में टू आता रहेगा, टू इंटू टू इंटू टू, और ये एनएफ तक चलेगा, तो टोटल जो वैल्यूज आ जाएंगी वो टू की पावर एन टर्म्स आ जाएंगी, तो इस चीज को भी ध्यान रखें कि इसमें टू की पावर एन टर्म्स होंगी, टू प्लस माइनस वन स्पिन के कारण और एन टोटल नंबर ऑफ लेटेस्ट एटम के कारण।
तो ये चीज भी ध्यान रखें। इस एक्सप्रेशंस को सॉल्व करने के लिए ब्रेग विलियम अप्रोक्सीमेशंस यूज किया जाता है और ब्रेग विलियम्स ने इसका सॉल्यूशंस दिया कि किस तरीका से इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आइजिंग जो मॉडल था, जो एनर्जी उन्होंने कैलकुलेट की इक्वेशन टू में, उसी को लिया उन्होंने। ई आई एस आई जो एस आई का फंक्शन है स्पिन का, इजकल टू माइनस ई और समेसन, और आई जे का इंटरेक्शन एस आई एस जे माइनस म्यू एच समेसन आई एस आई। तो इक्वेशन नंबर टू को फिर से रिपीट किया गया है, इसको इक्वेशन नंबर फोर से नोट कर दें। अब हम जो नंबर ऑफ एटम्स हैं ओवरऑल जो साइट के एटम्स हैं उनको दो पार्ट्स में बांट लेंगे। एन प्लस तो वो नंबर ऑफ एटम्स हैं जिनकी स्पिन अपवर्ड्स है, और एन माइनस वो हैं जिनकी स्पिन डाउनवर्ड्स है। जिनकी स्पिन अप है तो उसको एस आई बराबर प्लस वन से दिखाएंगे, और जिनकी डाउनवर्ड्स है उनकी स्पिन को एस आई बराबर माइनस वन से दिखाएंगे एक पर्टिकुलर आईथ एटम के केस में। तो ये हमने यहाँ किया है, एन प्लस एन नंबर ऑफ स्पिन फॉर विच एस आई बराबर वन, और एन माइनस वन वो है नंबर ऑफ एटम्स जिनकी स्पिन माइनस वन है। अब एन प्लस वन अपॉन एन जो है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग है, जो टोटल नंबर ऑफ लेटेस्ट एटम्स है उनकी वैल्यू जो है वो एन है, तो एन प्लस वन वो प्रोबेबिलिटी होगी जो स्पिन प्लस वन रखेंगे, और एन माइनस अपॉन एन जो है वो प्रोबेबिलिटी होगी फाइंडिंग की स्पिन माइनस वन की। तो ये दो कंसेप्ट यहाँ बताए गए हैं। उसके बाद हम जो एनर्जी है उसमें देखेंगे कि टोटल जो समेशन एस आई है उसकी जगह पे एन माइनस ले लेंगे, क्योंकि जो एन प्लस वन वो हैं जिनकी स्पिन प्लस वन है, और एन माइनस वन है जो इनकी स्पिन डाउनवर्ड्स है। तो नेट स्पिन के लिए हम क्या करेंगे, एन माइनस कर लेंगे यहाँ से समेशन एस आई की जगह पे, और माइनस म्यू एच ये टर्म एस एच आ जाएगी। यहाँ पे जो माइनस इसके जो इंटरेक्शन टर्म थी म्यू एन बाई टू उसको यहाँ ले आएंगे, क्योंकि इससे हमें इंटरेक्शन पता चल जाएंगे कितने इंटरेक्शन हो रहे हैं, और एक इंटरेक्शन में एनर्जी ये हमें पता चल रही है क्योंकि ये हम यहाँ पे बता चुके हैं। तो यहाँ से ये टर्म ई आ जाएगी, और ये जो प्रोबेबिलिटी कंसेप्ट है एन प्लस अपॉन एन माइनस एन स्क्वायर, ये प्रोबेबिलिटी कंसेप्ट से आ जाएगा कि जो प्रोबेबिलिटी है एन प्लस अपॉन एन माइनस अपॉन एन जो ये है प्रोबेबिलिटी है, ये साई की तरह काम करेगा, वेव फंक्शन की तरह काम करेगी, और साई स्टार साई जो है वो प्रोबेबिलिटी को बताता है कि ओवरऑल जो प्रोबेबिलिटी है इस केस की वो कितनी है। तो एन प्लस अपॉन एन माइनस एन का स्क्वायर कर देंगे, और ये जो टर्म है ई आई की वैल्यू ये आ जाएगी। तो ये जो टर्म ली गई है म्यू एन बाई टू, ये तो इंटरेक्शन टर्म से ली गई है, जो हमने यहाँ ये आई जी के इंटरेक्शन से ले रखे हैं जितने भी हैं उसे यहाँ म्यू एन बाई टू ले लें। ई जो टर्म है माइनस ई वाली वो यहाँ से ली गई है, और ये प्रोबेबिलिटी कंसेप्ट से ली गई है कि इसकी इनकी जो ओवरऑल पॉसिबिलिटी है वो क्या है। तो एन प्लस अपॉन एन माइनस एन का स्क्वायर इसकी प्रायिकता है इस कॉम्बिनेशन की एनर्जी की, तो वो प्रोबेबिलिटी कंसेप्ट से आ गई। और यहाँ पे जो हमारे पास में वैल्यू आ रही थी समेशन एस आई, वो हमारे पास आ जाएगी कि एन प्लस एटम ऐसे हैं रियलिटी साइट ऐसी हैं जिनकी स्पिन अपवर्ड्स है, और एन माइनस ऐसे हैं जिनकी स्पिन डाउनवर्ड्स है। तो नेट स्पिन जो हम एन माइनस से आ जाएंगे समेशन एस आई की जगह पर, और माइनस म्यू एस टर्म भी आ जाएगी। तो ये इक्वेशन नंबर फाइव से इसको मैं नोट किया देता हूँ, तो ये इक्वेशन फाइव होगी। अब हम आगे का जो फर्दर है, क्योंकि यहाँ बोर्ड के ऊपर स्पेस नहीं है, तो इससे आगे का जो कंसेप्ट है मैं लेक्चर नंबर टू में डिस्कस करूँगा। और सबसे मेरा आग्रह है कि इसके जो सारे लेक्चर्स हैं जो श्रृंखला है उसको सभी को देखें, मैं इसे तीन लेक्चर्स में आइजिंग मॉडल को कवर करूँगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये स्टेप आपकी समझ आए होंगे और इसका कंसेप्ट समझ में आया होगा। जैसे जैसे मैं पहले इसका पूरा मैथमेटिक्स जैसे डेवलप करूँगा, तो उसके बाद मैं उसके से जो मैथमेटिकल रिजल्ट्स आएंगे उससे फिर उसकी फिजिक्स डिस्कस करूँगा, और बताऊँगा कि किस तरीका से आइजिंग ने इसे सक्सेसफुली, और विलियम ब्रेग जो हम ये अप्रोक्सीमेशन पढ़ रहे थे विलियम ब्रेग अप्रोक्सीमेशन, इसकी हेल्प से हम किस तरीका से फेरोमैग्नेट को एक्सप्लेन करते हैं। तो ये वीडियो जो है लगातार देखते रहें, और इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करते रहें, और लेक्चर नंबर टू इसी कड़ी में मैं आगे दे रहा हूँ, उसके बाद आपका डिस्कशन ये कंटिन्यू जारी रहेगा। थैंक यू एंड बेस्ट विशेज़।